आंच नहीं, वो आंच देखो। तो दोस्तों, मैंने इस व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो मेरा व्लॉग ये वाला बिना स्किप करे हुए देखना, क्योंकि ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं व्लॉग को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक न्यू व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो पीछे देखो भाई, सारे हमारी पार्टी जा रही है। मनीष भाई खड़ा है पीछे। हेलो मनीष भाई, रॉक ऑन भाई, आज धर्राटे काटने। तो भाई आज हम जाने वाले हैं, अभी नहीं बताऊंगा, व्लॉग में पता चल जाएगा आपको कहाँ जाने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है आज का, तो व्लॉग में पूरे बने रहना और बिना स्किप करे व्लॉग को देखना है। ठीक है भाई, तो बाकी पेट्रोल करवा रहे फुल। तो पता है कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग जा रहे हैं। और कैसे जाएंगे आपको दिखाऊंगा मैं एक बार, है ना। A few more. भाई धर्राटे काटेंगे आज। ठीक है भाई, आगे थोड़ा सा और थोड़ा। चलो भाई, ये हमारे अल्ली भाई खुश है। अली सब भाग गई छोड़ के, समीर भाई छोड़ के भाग गई। चलो मेरे को लेकर के काली कैसे कह रही थी। तो भाई फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं मायावती पार्क। पीछे देखो मेरे को इतने सारे क्राउड आ रखा है। तो भाई ये जो मायावती पार्क है ना भाई, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कैसे कैसे क्या सीन है ना। तो भाई अभी हमारे भाई की है पूरा, मतलब वो लगाने अपनी बाइक जो है पार्किंग पे लगाने। बाकी पीछे खड़ा हमारा मनीष भाई जा रहा है, देख लो भाई मनीष भाई को। और भाई देखो सामने से आ रहे हैं हमारे समीर भाई, उनको दिखाता हूँ, उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप सभी को, है ना। कहाँ गया भाई? कौन सा भाई? एक बंदा था वहाँ पे स्प्लेंडर लेकर, तो बाइक नहीं लगा भाई। यहाँ क्या बाइक लगा पा रहा? बाइक नहीं लगा पा रहा, मैं निकल गया एकदम, उसकी बंदी ऐसे लगी मेरे को देख के। तो भाई बिना टिकट एंट्री नहीं होने वाली, देख लो 4 बंदों की टिकट लिए पूरा। हाँ भाई ईमानदार है भाई अल्लू भाई हमारा, देख लो अल्लू भाई की, देख लो भाई चेहरे पे ईमानदारी छा रही है। बहुत है जी, एक्टिंग की बहुत शौक देखो। तो भाई ठीक है भाई, टिकट विकेट ले लिए, तो मायावती पार्क आया, तो पूरा भी अंदर से दिखाऊंगा। मैंने इससे पहले आपको दिखा रखा है। तो भाई क्राउड देखो एक बार सारा, देखो भाई क्राउड देख रहे हो। बहुत चुके हम मायावती पार्क के अंदर, तो भाई बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना सारा क्राउड आ रखा है, क्योंकि भाई आज है संडे, तो चारों तरफ भाई डांस चल रहा है, जैसे तुम नाच बोल सकते हो एक तरफ से। ठीक है भाई, देखो भाई भाई बहुत तगड़ा डांस हो रहा है, सारे डांस दिखाऊंगा आपको। उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, बिना स्किप करो। ठीक है, तो दिखाता हूँ पीछे, देखो भाई भाई ये है मायावती पार्क, देख लो भाई ये देखो, देख रहे हो भाई। एक बार तो मैं दिखाता हूँ, सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, है ना। तो पहला भाई जो कोई मेन सीढ़ियां है जहाँ पे हर कोई जो भी बंदा मतलब आता है ना भाई, देखो पीछे जो सीढ़ियां देख रहे हो, पीछे सामने देख रहे हो भाई, यहाँ पे जरूर ही पक्का ही रील बनाता है। क्योंकि भाई आज की डेट में इंस्टाग्राम का इतना ट्रेंड है ना भाई, तो इंस्टाग्राम की बात की जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मैं यहाँ पे कहीं मेरी आईडी मेंशन आ रही होगी, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना मुझे। ठीक है भाई, देखो भाई चारों तरफ क्राउड हो रखा है एक नंबर, बाकी सारे भाई अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, रील बना रहे हैं भाई, चारों तरफ क्राउड का मेला। और हम एक तरफ घूमते हुए, सारे मुंह पे, सबके मुंह पे अच्छाइयों की बरसात हो रही है, देख लो भाई। अल्लू भाई हंसते हुए बुरी तरह अल्लू भाई के मुंह पे। गोलू भाई, भाई देख रहा हूँ भाई, टैलेंट नहीं, वो आँख से देखो तुम बताएंगे। ताकि बात आगे ना प्रदीप भाई के बारे में, बहन चो धरती में गाड़ देंगे, हटा पीछे। तो भाई अब मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आना है और ये इसकी लोकेशन क्या है। तो भाई ये है नोएडा में, ऐसे कोई भी मतलब दूर से आता है तो वो मेट्रो से भी आ सकता है, इसके नियर बाय मेट्रो है बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इतना मतलब मुझे पता नहीं है, बाकी आप उसमें देख सकते हो कहाँ पे, आप उसमें देख लेना मैप में देख लेना कैसे आना है। तो आप ऐसे ऑटो से आओगे तो ऑटो वाला आपसे 200 रुपये लेगा, ज़्यादा रुपये नहीं लेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा मत देना, वो 300-350 रुपये बोलता है, तो आपको बार्गेनिंग करवानी पड़ेगी उससे। ठीक है भाई, तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैंने रील्स वील्स बना लिए, पीछे हमारे भाई भी रील्स बना रहे, देख सकते हो। देखो भाई सारे भाई रील्स की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे रील्स ही बन रही है
है ना, तो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं भाई। ये तो मोस्ट फेमस जो है भाई ये है रील्स के लिए, क्योंकि बहुत लोग भाई रील्स बनाते हैं। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक व्लॉग बनाया जाए, तो मैंने व्लॉग पूरा कंप्लीट होने वाला है मेरा। और पीछे भाई देखो उसके अंदर भी जा रखा हूँ मैं, पिछले वाले व्लॉग ऐसा आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो भी देख लेना, वो भी यहीं का ही है, बट उसमें मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लोर करी हुई है, है ना। तो भाई लोग आए जा रहे, तो आप कभी भी आते तो संडे को आना, संडे को आपको यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी और कुछ भी दिखाता हूँ मैं, काफ़ी बड़ा पार्क है भाई ये। तो भाई पीछे मेरे गार्ड अंकल खड़े हुए हैं, जो कि मतलब जो भी लोग ऊपर चढ़ता है या फिर कोई भी मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी करता तो उनको मना करते हैं, ठीक है। बाकी मेरे एक पीछे वाली सीढ़ी है और एक ये वाली सीढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ वाली सीढ़ियों पे ऐसे देख लो भाई कितनी सारी मतलब गर्ल्स वीडियो बना रहे, देख रहे हो भाई। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों सीढ़ियाँ जितनी भी सीढ़ियाँ है ना, मतलब चारों तरफ सीढ़ियाँ, तो ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो यहाँ पे लोग रील बनाते हैं, मतलब स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, अलग अलग वीडियो बनाते हैं। बाकी भाई आप कभी भी आओ तो यहाँ वीडियो जरूर बनाना यार, मोस्ट फेमस जगह ये वाली है ना। तो भाई अभी और दिखाता हूँ आपको क्या क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा पार्क है। तो चलो अंकल से बात करते हैं। हेलो अंकल, क्या हाल अंकल? ठीक है सब ठीक। अच्छा ठीक, चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है अंकल, एक बार मुझे बता दो ये पार्क कितना पुराना है? ये तो लगभग 12-14 साल। 14 साल पुराना है? और आप अंकल यहाँ पे ड्यूटी कब से कर रहे हो? 12 साल से कर रहे हैं। अच्छा अंकल, मतलब बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, डेली आते हैं अंकल? बहुत आते। और ये अंकल कभी बंद भी रहता है ये वाला पार्क? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा अंकल, इसकी लोकेशन बता दो, कौन सेक्टर में ये वाला? सेक्टर 95। तो भाई बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलके। अंकल ने बताया ये जो है पार्क मायावती पार्क सेक्टर 95 में, ठीक है। तो बाकी मेरे पीछे बन रही है रील्स वीडियो, देखो देख रहे हो नीचे रील्स बन रही है, मतलब चारों तरफ रील्स के लिए फेमस है। बाकी हमारे भाई लोग यहाँ खड़े हैं, तो ये आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी व्लॉग शूट करता हूँ भाई हमेशा फन मस्ती करता हूँ, क्योंकि मस्ती के साथ व्लॉग शूट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी नहीं है गाइस, मजे लो, पैसे कमाओ, उड़ाओ, मौज करो। बाय गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट किया करो यार, बहुत ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की यार। देखो बोल भी नहीं पा रहा, पता है मैं इतनी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना। तो सो गाइस भाई पता, अभी हमें एक बंदा मिला और वो बैग जंप मार रहा बहुत तगड़ी वाली, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पीछे भाई देखो पूरी मतलब रेडी हो रही है, मतलब बैग जंप के लिए पूरा सेटअप रेडी हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी भाई ने मारता, ठीक है। तो क्राउड देखो एक बार, वाह भाई मजा आ गया। चलो भाई तो मैं बैकग्राउंड वो दिखाता हूँ बैक जंप कैसा मारता है, ठीक है भाई, कंटिन्यू दिखाता हूँ। सच में भाई मजा आ गया भाई, देख के सच बता रहा हूँ भाई, मतलब पब्लिक पागल होगी भाई, पता है। A few भाई बंदे आवाज मार रहे पीछे से, हम थे नहीं उसके साथ, अल्लू भी टस्सा खा गया है, सही में टस्सा खा गया वो बाहर गए, अल्लू टस्सा खा के आ गया। बहुत गंदी भसड़ हो गई थी, अल्लू भाई से गिर गई थी टिकट, तो अल्लू भाई खा रहे थे कचौड़ी, तो भाई को यही नहीं पता कि टिकट कहाँ है और पैसे कहाँ है और कचौड़ी कहाँ है ना। तो भाई ने कचौड़ी खाई और साथ में टिकट भी खा गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो भाई बाकी अभी ठस्सा गोली होके आए चारों भाई, तो पीछे बंदर है वही, तो भाई कचौड़ी भाई ऐसी थी कि मतलब पानी अलग था और कचौड़ी थी नहीं थी पता नहीं चला, बस खाने से मतलब है। तो भाई समीर भाई गुस्सा आ गया अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जो कचौड़ी थी ना भाई ऐसा लग रहा था कि मतलब पानी पी रहे हैं, जो गर्म पानी नहीं होता भाई वैसा वो पी रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो भाई है भाई, हाँ मसाला मिला दिया भाई, ऐसा लग रहा था सेम। तो भाई बाकी देख लो भाई कितना बड़ा भाई मायावती पार्क, पीछे भी मतलब ऐसा मान लो बाबा आदमखोर का जमाने का ये भी। अभी जो अंकल से मैंने आपसे बात करवाई थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि ये कुछ है 26-27 साल पुराना है, ठीक है। तो अभी हम चलते जा रहे भाई, खत्म ही नहीं हो रहा भाई, है अल्लू भाई खत्म ही नहीं हो रहा पार्क, हाँ भाई बहुत बड़ा है भाई, देख रहे हो भाई पीछे, इसके ऊपर भी मैं जा चुका हूँ भाई, अभी हो सके तो ऊपर जाएंगे, है अल्लू भाई ऊपर भी चलेंगे अभी। विशाल हाथी देखो विशाल हाथी ऊपर, हेलो भाई ऊपर भी जाओगे अभी? हाँ चलेंगे। तो भाई अभी ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी दिखाऊंगा आपको क्या है कैसे मूर्ति है ना, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा अच्छे से शूट करने वाला हूँ, पिछले बार थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था है ना। तो इस बार देखो भाई पीछे वाला पार्क देखो भाई, अल्लू भाई तुम कितनी बार आए यहाँ?
पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा भाई, तो अल्लू भाई पहली बार आ रहे हैं तो भाई को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अल्लू भाई समझ रहे हो, अल्लू भाई तुम्हें यहाँ की सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? यहाँ बड़े बड़े हाथी है, बस हाथी है चारों तरफ, क्राउड है, क्राउड है भाई, सारे फेमस लोग यहीं आते हैं, सारे फेमस। तो भाई तुम्हें भी फेमस होना है तो भाई यहाँ और वीडियो बनाओ, लोकेशन में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ भाई वो भी GoPro शूट हो रहा है, ये देखो। और मैं MI से सेट कर रहा हूँ भाई, GoPro शूट हो रहा भाई, ये देखो भाई, भाई कोई टास्क दिया जा रहा है और वो वाला गेम हो रहा है, वहां देख लो भाई सामने। आए आए एक बार जो आए जवानी फिर ना, बार जो जाए जवानी फिर ना। पहले भी जा रहे हैं हम सारे भाई ऊपर जहाँ की जो कि मेन गेट है मायावती पार्क का, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल सकता है आपको। तो देख लो भाई क्या क्राउड हो रहा है यहाँ पे, देखो भाई। हाँ बेटे, हाँ मेरी जान, ऐसे यहाँ पे आना है तो लोकेशन पता होना चाहिए मेरी जान, ये देखो भाई कितना तगड़ा क्राउड हो रहा है, मजा आ गया भाई देख के, सच बता रहा हूँ। चलो भाई अभी अंदर चलते, अंदर दिखाता हूँ आपको। तो भाई बाकी अंदर ना अलाउड नहीं कर रखा जाना, पता नहीं क्या हुआ इस बार, जो है गेट हमारा भाई बंद कर रखा है अंदर वाला, तो शायद कुछ सीन वीन हो गए तो उसकी वजह से है ना। तो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि मैं अभी आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, क्योंकि देखो भाई बाहर मतलब बेरे लगा रखा है। तो पास चल के पास से दिखाता हूं आपको। तो भाई देख लो भाई, साफ साफ लिखा है अंदर जाना मना है, कार्य प्रगति पर है, देख रहे हो। तो भाई पता है अभी एक नया प्लान बनाया हमारे समीर भाई ने, समीर भाई हमारे ये रहे। तो अभी क्या हुआ है कि अभी मैं जाऊंगा यहाँ से, पहले मैं कूदूंगा फिर मैं समीर भाई दोबारा, देख लो भाई पहले एक बार डिस्टेंस देख लो। वाह भाई, भाई कितना ऊंचा, देख रहा भाई अभी मैं यहाँ से कूदूंगा और उसके बाद समीर भाई मुझे दोबारा अपने हाथ से खींचेंगे, ठीक है? चलो भाई मैं कूदता हूँ यहाँ से पहले। अच्छा हमको सिखा रही भाई, डर लग रहा भाई, भाई कहीं मैं गिर गया तो मैं टारगेट उड़ गया भाई। चलो भाई ट्राई करते एक बार, भाई बचा लेना बाकी, ठीक है? भाई 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 लग गई भाई भाई, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ऊपर आके, ठीक है? भाई समीर भाई की जय हो, देख रहे हो भाई हमारे समीर भाई में कितनी जान है, तो इसी के लिए लाइक करो फॉलो करो। समीर भाई वेट करो, समीर भाई गिर जाओगे। हाय मनीष, जाना है तो अभी हम देखेंगे कि हमारे समीर भाई है, समीर भाई यहाँ से कूद पाएंगे कि नहीं कूद पाएंगे। चलो समीर भाई से कुछ बात करते हैं। समीर भाई आप इससे पहले इतने ऊंचे से कूदे हो? घर पे कूदे हो? अच्छा कितने ऊंचे कूदे घर पे? दो फ्लोर से। अरे भाई बहुत बड़ी बात है। चलो भाई तो फिर अभी देखते हैं समीर भाई कूद पाते कि नहीं कूद पाते। चलो समीर भाई स्टार्ट करें। ये समीर भाई आराम से, ये भाई बहुत बड़ी क्लैपिंग कर देने कमेंट में। चलो भाई फिर नीचे चलते हैं। अल्लू भाई आ जाओ, आ जाओ अल्लू भाई, है कूद गया भाई। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने जो मायावती पार्क है वो पूरा एक्सप्लोर कर दिया है, ठीक है? तो भाई देख लो भाई कितना सारा क्राउड है यहाँ पे, देखो भाई चारों तरफ रील्स का मेला है। मतलब ऐसा मान लो कि ये जब हम इसके अंदर आते ना तो ये ना रील्स की दुनिया में घुस जाता है, बहुत से एक नंबर है भाई। आप जरूर आना और रील्स बनाना, ऐसे आप इंस्टाग्राम चलाते तो भाई जरूर आना यहाँ पे और रील्स बनाना, क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि अभी हमारे समीर भाई ऊपर से कूदे थे, वो देख लो भाई कितना, भाई देखो भाई इतना यहाँ से पूरा यहाँ से उतने ऊपर से भाई कूदते हैं हमारे समीर भाई, देख रहे हो? क्योंकि देखो भाई इससे ऊपर वाला जो है वो थोड़ा मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं है, बट ये वाला बहुत ऊंचा है, ठीक है? तो अभी चलते हैं भाई मनीष भाई के पास, क्योंकि भाई मनीष भाई कर रहा है एक से एक वीडियो शूट, और किसी कर रहा है वो आपको दिखा दो। चलो भाई Yes.
लाली बाहर है देखती रह जाएगी दुनिया समाज का और आज मुद्दत के बाद ये कभी दिल खोल कर नाचेगी सो गाइज बाकी इस ब्लॉग के यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये क्या था और कौन सा पार्क था? तो ये पार्क था मायावती पार्क। तो आपने देखा होगा गाइज, ऐसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो यहाँ पे मोस्टली जो रील्स है आधे ज्यादा रील्स जो है मायावती पार्क की ही आती है और मतलब हर कोई मायावती पार्क जाता है। तो ये मायावती पार्क का मैं पूरा एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये नोएडा में है। आप आराम से ऑटो करके जा सकते हो, 5 से 6 बंदे, 200 रुपए लेगा आपसे ऑटो वाला, बोलेगा 300 पर आप बार्गिन करवा के 200 रुपए ही देना उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। वरना ऐसे किसी को मेट्रो रूट बताओ तो और अच्छी बात है। बाकी यार इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया मायावती पार्क कैसा था, ठीक है? तो बाकी यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है? अब गाइस इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे आपने मेरे इस वाले व्लॉग पे 1000 लाइक करवा दी तो आप जहां का बोलोगे मैं वहां का व्लॉग बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है गाइस? तो फिर 1000 लाइक कराओ जल्दी जल्दी और कमेंट में मुझे बताओ कहां का व्लॉग बनाओ।